Für Varun Shaw und seine Frau Ashida war der vergangene Samstag ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe dann alle Rechte. Film Banungi. Germany ki Har Har Modi. Darum geht's. Das macht Demokratie aus. तो हम बेसिकली आए हैं शहर के सेंटर में रात हाउस में जो कि यहाँ का सिटी ऑफिस एक तरह से कहा जा सकता है क्योंकि हम बन गए हैं जर्मन सिटीजन और इसकी वजह से हो रहा है एक सिटीजनशिप पार्टी. आई एम वेरी एक्साइटेड. आशिता गुस्सा है कि सुबह सुबह से उठा के कौन ले आया है वो भी वीकेंड के दिन. तो इस मौके पर एक बहुत ही पॉपुलर जर्मन न्यूज़ चैनल WTR हमारे इस पूरी जर्नी को कवर कर रहे थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. सिंस ये हमारा फर्स्ट टाइम था तो हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस एंड एक्साइटेड थे. सो अभी स्टार्ट होने वाला है इंटरव्यू. फिंगर्स क्रॉस्ड. ये हमारे कैमरामैन एंड वो हमें हेल्प करेंगे सारे इंटरव्यू के दौरान. तो अब हम घुस रहे हैं अंदर. Er ist mit seiner Frau Ashita zur Einbürgerungsfeier ins Rathaus eingeladen. Rathaus mein ghuste ke saath hame dikha ye bada sa hall. Actually ye pehli baar hai jab main apne 11 saalon mein Rathaus ke andar aaya hu aur maine imagine nahi kiya tha ki yahan se cathedral ka view itna sundar dikhega. Aur isi jagah Rathaus aur cathedral ke beech mein September special ke waqt bada sa jhoola lagta hai. अंदर घुसने और सिटीजनशिप पार्टी स्टार्ट होने के पहले बीच में जितना भी टाइम था उसमें हमने राठौर को थोड़ा एक्सप्लोर किया. सच मानो तो ये सारे पुरानी पेंटिंग्स वगैरह देखकर एक हॉगवर्ट्स वाली फील आ रही थी. Ich bin echt begeistert. Also ich habe meine Einbürgerung letztes Jahr gekriegt, aber dieses Feier ist, ne, ist ein bisschen besonders. Es fühlt sich sehr gut, also ne, wie Schmetterlinge im Bauch. डिफरेंट है. पीछे से एक कैमरा मैन भी है. बहुत ही सुंदर सा पुराना सा हॉल है. बहुत सारे लोग हैं. आशिता ऑलरेडी जाके बैठ चुकी है तो अभी जाते हैं उसके पास जाके बैठते हैं. हाय. अरुणीत ने पूरा टूर दे दिया. हाँ दे दिया मैंने दे दिया. बस फर्स्ट फ्लोर और इस फ्लोर का दिया है, बाकी कहीं का नहीं दिया है. आयरनी इज वरुणीत यहाँ पे 11 इयर्स से रह रहे हैं एंड पहली बार आए हैं. सच में फर्स्ट टाइम. कैसे कैसे लोगों को सिटीजनशिप दे देते हैं. आते साथ सभी को सीट्स में पैम्पलेट्स है और लिटरली वो पैम्पलेट कोई पढ़ नहीं रहा है. सब लोग पंखे के लिए ही वो यूज कर रहे हैं. आई थिंक अब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है. Die ausgelegten Flyer dienen hervorragend, sich frische Luft zu fächern. Also nehmen Sie davon Gebrauch. Zum ersten Musik. आउट ऑफ द लॉट वरुणीत भी गए हैं स्टेज पे इंटरव्यू के लिए. हेलो गुड टाग. Ich bin schon 11 Jahre jetzt in Deutschland in Aachen eigentlich. Ich habe dann alle Rechte. Jetzt nachdem ich eingebürgert bin, ich kann wählen in das ganze Land, in der ganzen Welt ohne Probleme oder weniger Probleme. Vielen Dank. थोड़ी देर में हम वहाँ जाने वाले हैं. एक बड़ा सा टेबल लगा है वहाँ.
होपफुली देखते हैं क्या क्या है, कुछ खाने वाने की चीजें भी मुझे दिखी और आपको तो पता है कि मुझे खाना वाना कितना पसंद है. Zudem will die Stadt ein Zeichen für Weltoffenheit setzen und hat im Anschluss an die Feier für Varun und die anderen Neubürger ein Picknick auf dem Katschhof organisiert. Rathaus और कैथीड्रल के बीच में ये जगह काचौफ, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पिकनिक ऑर्गेनाइज किया गया था. लोग अपने हिसाब से अपना अपना खाना ला सकते थे और हर किसी के साथ बांट कर खा सकते थे. बहुत सारा टेस्टी खाना हमने यहाँ पे इन्जॉय किया और साथ ही हमने छानी बातों की बहुत सारी जलेबियाँ हमारे सिटी के मेयर, WDR के रिपोर्टर्स और कैमरा क्रू और वहाँ मौजूद नए और पुराने सिटीजन्स के साथ भी. और अभी हम हैं आखन कैथेड्रल के जस्ट पीछे. वरुणीत का इंटरव्यू स्टिल ऑन गोइंग है एंड जहाँ पे ये इंटरव्यू हो रहा है जस्ट उसके बिसाइड लोग बैचेस बना रहे थे. इसमें मैंने पहली बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है कि बैच कैसे बनाते हैं. मैंने बहुत सारे मैसेजेस लिखा, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो क्लिप नहीं है, बट मैं इस वीडियो में साइड में एक पिक्चर अटैच कर दूंगी कि मैंने क्या लिखा था. थोड़ी आगे चलकर यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टॉल्स लगे थे जो अपनी फ्री गुडीज़ दे रहे थे एंड कोई गेम्स खिला रहे थे. हमने घूम घूम कर हर स्टॉल का लुत्फ उठाया. यहाँ का जो सिटीजनशिप पार्टी है वो देखकर मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूँ. बट आप पॉलिटिकल पार्टी तब तक ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक आपके पास सिटीजनशिप नहीं है. मैं अगले साल एलिजिबल हो जाऊँगी सिटीजनशिप के लिए, फिर मैं बनूँगी जर्मनी की हर हर मोदी. इसका मोटो है रिस्पेक्ट साइकिल, रेसिस्मस बिकम शो रिस्पेक्ट एंड फाइट अगेंस्ट रेसिज्म. और रेसिज्म के अगेंस्ट तो मैं हूँ ही और मैं रिस्पेक्ट में ही बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट पार्टी फॉर मी. तो यहाँ SPD के स्टॉल पे हमें कुछ ऐसा मिला जो आशिता को हमेशा से चाहिए था. तो मुझे एक स्काईलाइन चाहिए था और वो भी सिर्फ आखिर का. ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर स्काईलाइन है वो कोलोन का है. बट हाँ, मुझे आखिर का बहुत दिनों से चाहिए था. बट होपफुली मैं, अगर मेरे पास एक्चुअली एक सैलून है तो अब मैं खुद से भी डिज़ाइन कर सकती हूँ. बट हाँ, आई एम लाइक वेरी हैप्पी. आखिर की ऑलमोस्ट सभी चीज़ें, सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है. राइट फ्रॉम राउट हाउस टू कार्लस थर्मन, ये है और फ्रॉम कार्ल, ये है एलिसन रोनन. अरे आखिर का चर्च भी है, कैथेड्रल. सो यहाँ पर टेक अवे के लिए ये वाला स्काईलाइन है, ये बैच है छोटे वाले पिन जिसे कहते हैं, एंड ये कप्स है. आप कप्स, कितने भी कप्स लेके जा सकते हो. तो ऑफ कोर्स मेरे को आखिर से इतना सदा प्यार है तो मैं डेफिनेटली एक कप तो लूंगी. एक मैं एक वरुणी किलिंदांग. थैंक यू. सो एक आखिर का बहुत ही फेमस बेकरी है, दैट्स नोबिस प्रिंटिन, जो आखिर का जिसे कहते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नोबिस प्रिंटन से कुकीज़ एंड वो इनका सिनेमन बन बहुत फेमस है. मुझे सिनेमन बिल्कुल नहीं पसंद है, बट ये होपफुली सिनेमन ना हो इसमें. यू जस्ट ट्राई. इट लुक्स लाइक एन एप्पल. हाँ, दिस इज समथिंग पाई, बट इट्स नॉट अ पाई एक्चुअली, इट्स अ कपकेक, बट कुछ कप अलग है. एंड अप्रूव्ड. मुझे भी जर्मन की पायरेट पार्टी है और आशिता शायद इसी में वो बनेगी. क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आशिता, जो पार्टी में सम्मिलित होने पर बनते हैं कार्यकर्ता. आशिता इसके लिए बैजेस कलेक्ट कर रही है. कलेक्ट तो नहीं कर रही हूँ, एक ही ले रही हूँ. हाँ, मतलब वही पायरेट पार्टी का सिंबल है. पायरेट पार्टी का ये है सिंबल, वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो मुझे कौन से पार्टी को वोट करना है. वैसे आगे और भी पार्टीज हैं तो मैं सबको चेक करती हूँ कौन मेरे को ज़्यादा फ्री गुडीज देता है. यहाँ पे मैंने बैचेस लिया नहीं, मेरे पास बहुत सारे बैचेस हैं, बट आगे देखते हैं. आशिता गई है अभी ग्रून के स्टॉल में. यहाँ पे ये लोग वॉफल्स दे रहे हैं गिव अवे के लिए, तो आप उठा कर जा सकते हो. हम तो उठा लेंगे. आशिता को वॉफल्स मिल गए बिल्कुल गरम गरम. मुंह में जल जाए सारा, उसका पाउडर चीनी गिर रहा है नीचे. बहुत ही टेस्टी है.
देखें, हमको भी टेस्ट कराओ। सॉफ्ट है यार, बहुत सही है, मस्त है। वैसे उतनी भी टेस्टी नहीं है, घर पे मम्मी लोग जैसे मीठी रोटी बनाती थी सेम ही है। बड़ा वाफल्स आ गया तो अच्छा है। आशिता फ्राई हाई, दैट इज फ्रीडम का टैटू बना रही है। वेल, वो वाला टैटू जैसे हम बचपन में बनाते थे, बुमरैंग के टैटूस। थर्टी सेकेंड्स के बाद मुझे निकालना है एंड मुझे मिल जाएगा फ्रीडम। नाइस, राशिदा हैज अ न्यू टैटू। यहाँ पे इतनी सारी चीजें मिल रही थी, राशिदा ने टैटू भी करा लिया और हमने कुछ टैटूज रख भी लिए और वो बबल बनाने वाला भी हमने ले लिया। आखना मार्केटप्लेस समस्तक मिटक। इस सब के दौरान जर्मनी की फार राइट पार्टी AfD इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी और उनके खिलाफ कुछ और लोग यहाँ पे भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। Das finde ich traurig. Ist nicht gut für Deutschland. Ist nicht gut für jeden welches Land. Wegen solcher Gegendemonstrationen bin ich sehr froh. के लिए हमने सोचा कि आ जाते हैं यहाँ पे अक्वीस प्लाजा फूड कोर्ट में और देखो हमें कौन मिल गया यहाँ। तो हमने ले लिया हमारा फेवरेट चाइनीज बुफे और सबने एक एक मैंगो का बोबा टी लिया है। हाँ, सिटीजनशिप पार्टी भी खत्म हो गई, पेट पूजा भी हो गई, हम डाउन हो गए अब। अब तो बस घर जाना है। इक्षिका भी अपने घर जा रही है, उसे हमने आम आम लेके घर जा रही है। वैसे तुमने आज पहली बार बोबा टी किया, कैसा लगा तुमको? वेरी पटाखेदार चटाखा। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग आज ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार। आपको अगर आज का ब्लॉग, आज का कंटेंट, आज का सिटीजनशिप पार्टी पसंद आया हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। बाय। Aber vergessen werden Ashita und Varun diesen Tag sicher nicht so schnell.